व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वापस एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और भाई फिर से एक बार हाजिर हो चुका हूँ हार्डकोर वर्ल्ड में। बहुत दिन हो गए भाई हार्डकोर वर्ल्ड के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाला। जी हाँ भाई, फाइनली हार्डकोर के ऊपर वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ। और भाई आज भी मेरे पास मेरे कुत्ते हैं, ठीक है। तो भाई आज मेरे पास मेरा फुल बॉडी आर्मर है, डायमंड वाला, ठीक है ना। आज मेरा टास्क है कि मैं इस आर्मर को एन्चेंट करूं, और भाई देखते हैं एक दो काम कर सकते हैं कि नहीं है। और बाकी भाई चलते हैं और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई इतने टाइम तक भाई विलेज वगैरह मेरे को मिल ही नहीं रहा था, और अब जब मिल रहा है तो भाई दो दो विलेज मिल रहा है। जी हाँ भाई, मुझे और एक विलेज मिला है जो कि मेरे विलेज के ही बराबर है एकदम, मतलब कि सीधा जाऊँ आगे की तरफ तो भाई एक और विलेज बनता है। तो भाई अच्छी बात है भाई, ओपी बात है। ये कौन सा है भाई, लाइट टेबल। तो मुझे इस चीज को जो है ना, देखो इसका एन्चेंटमेंट कम करना होगा, है ना। तो भाई ये कौन सा है भाई, ब्लास्ट प्रोटेक्शन है 2 वाला, मतलब कि इसको डिसएन्चेंटमेंट करना होगा इस वाले आर्मर को। और ये भी प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन वगैरह। देखो भाई इसमें एक चीज बढ़िया है, अनब्रेकिंग 3 है। तो भाई मुझे एक चीज़ चाहिए और वो ये है कि भाई प्रोटेक्शन चाहिए मुझे। तो अनब्रेकिंग 3 है और भाई ये मैक्स होता है ना, तो इसमें बस एक प्रोटेक्शन वगैरह लगा दूँ तो भाई काम बन जाएगा। और इसमें अनब्रेकिंग 2 है, ब्लास्ट प्रोटेक्शन है, तो इसका देखते हैं भाई निकाल पाते हैं कि नहीं है। और इसका है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन जो कि नहीं चाहिए, और ब्लास्ट प्रोटेक्शन भी नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए और ये ब्लास्ट प्रोटेक्शन। तो बेसिकली ये 3 जो है ना, मतलब ये हेलमेट, लेगिंग्स और ये जो बूट है, तो इन सभी को डिसएन्चेंट करना होगा मुझे। देखो कितने सारे फूड है मेरे पास, एक टाइम पे मेरे पास कोई फूड भी नहीं था और मैं पेरी से काम चला रहा था। तो यार चलो यार, ये एक बना लेते हैं, 6 आ गया, और ये बना लेते हैं 1। तो वो आई थिंक वो वाला बेंच अब आ जाएगा, तो उसके लिए आई थिंक ये वाला चाहिए, ये दोनों शायद यहाँ पर चाहिए, और ये एक ऐसे, या फिर ऐसे करके। और कैसे था भाई ये रहा, आ गया ना भाई, कुछ इस टाइप से था ये वाला। और मैं भाई सोच रहा हूँ कि अपना बेस जो है ना, एक तगड़ा करके बेस बनाऊँ, ठीक है। तो भाई वो भी बनाएंगे, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। तो ये 30 लेवल का दे रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है भाई, तो मैक्स लेवल का है, बढ़िया है भाई, ले लेते हैं। अनब्रेकिंग 3 प्रोटेक्शन 4, चलो यार यही चाहिए था मुझे। और ये क्या दे रहा है, फायर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन 2 भी नहीं चाहिए, और ये कौन सा है भाई, नहीं भाई ये सब नहीं चाहिए मुझे। तो भाई ये तो भाई बेकार दे रहा है। और फेदर फॉलिंग देता तो भाई ज़्यादा बढ़िया रहता। देखो फायर प्रोटेक्शन वगैरह दे रहा है, तो भाई नहीं चाहिए भाई फायर प्रोटेक्शन। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को भाई हटा लेते हैं, और मेरा जो स्वॉर्ड है ना भाई, तो उसको थोड़ा बहुत काम में लाते हैं। तो मुझे बेसिकली 30 लेवल चाहिए, और भाई मिलता है भाई 30 लेवल बना के। चलो यार 30 लेवल तो बन गया है, अब चेक करके देखते हैं कि भाई कौन सा वाला एन्चेंटमेंट मुझे देने वाले हैं वो लोग। और भाई बस मिलते हैं 2 मिनट में घर पे। ओके तो भाई घर पहुंच गया हूँ, और देखते हैं भाई कौन सा वाला एन्चेंटमेंट मुझे मिलता है। भाई उम्मीद तो करूँगा बढ़िया वाला मिले। वैसे एक काम करते हैं ना भाई, मेरा जो स्वॉर्ड है उसको भी देख लेते हैं, इसमें कौन सा वाला दे, तो जो भी दे भाई मैक्स लेवल का ही होगा। और ये भाई डायमंड पिकैक्स का भी जरूरी है, आई होप एफिशिएंसी वगैरह दे दे, वो भी मस्त रहेगा। वैसे मुझे एक फिशिंग रॉड भी एन्चेंट करवाना है, क्योंकि भाई मुझे चाहिए पूरी बहुत चीज़, एक चाहिए सैडल चाहिए, और मेंडिंग के बुक्स वगैरह भी चाहिए। कभी कभी फिशिंग से भी मिल जाता है बढ़िया बढ़िया बुक, ठीक है। तो भाई सबसे पहले ये वाला ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा वाला देता है ना। तो इसमें नॉकबैक 2 दे रहा है, तो ये उतना ज़्यादा खास भी नहीं है नॉकबैक 2 मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग फाइट करोगे तो भाई नॉकबैक किसी भी मॉब को पीछे ढकेल देगा, तो ये डिसएडवांटेज है स्केलेटन से फाइट लेने में, ठीक है। तो भाई जब आप लोग मारोगे तो वो पीछे चला जाएगा। अच्छा ये वाला अच्छा है, अनब्रेकिंग दे रहा है, क्योंकि अनब्रेकिंग चाहिए होता है हम लोग को। एफिशिएंसी 3 दे रहा है, 4 चाहिए था, अगर 4 मिलता ना तो भाई बहुत ज़्यादा सही होता। तो अनब्रेकिंग बढ़िया है मेरा, ये जो है ना ये थोड़ा बहुत मतलब इसका लाइफ
लॉन्ग कर देगा। अनब्रेकिंग चलो ये लगा देते हैं, मेंडिंग से बढ़िया है। अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 3 दे रहा है, अच्छा चलो इट्स गुड, उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। भाई सबसे पहले हम लोग का ये वाले जो है ना ये चेंज करके कर लेते हैं ना। भाई ये लोग कौन सा नशा करते हैं यार, थोड़ा बहुत क्या कौन सा नशा फूकते हैं भाई मेरे को भी बताओ। हाँ नहीं भाई मुझे फूकना नहीं है, ठीक है बस जानना है कि कौन सा नशा करके ये देते हैं। भाई देखो स्माइट दे रहा है, स्माइट बेकार है भाई स्वॉर्ड के लिए, भाई स्माइट बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार, खाली बेकार नहीं है। चलो ये वाला ट्राई करके देखते हैं, ठीक है एटलीस्ट कोई फेदर फॉलिंग दे दे तो भाई ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा मुझे और भी ज़्यादा वो चाहिए ना, यहाँ पर एक ये एक भाई ये सब होना चाहिए, ठीक है इसमें लैपिस लजूली डाल देंगे, ये सब अंदर रख देते हैं और एक स्टैक भाई 32 उतार लेते हैं। चलो ये कौन सा डायमंड स्वॉर्ड है ना, तो स्माइट दे रहा है अभी भी, और सेकंड वाला देखो भाई नॉकबैक दे रहा है, उसके लिए एटलीस्ट 30 लेवल चाहिए हम लोग को। और स्माइट अभी भी दे रहा है भाई, बहुत ज़्यादा बेकार है। चलो यार ये फेंक के ये सेट करके देखते हैं। अच्छा फायर प्रोटेक्शन दे रहा है अभी भी, तो इसका एन्चेंटमेंट चेंज करना होगा, तो भाई वो कुछ अलग ही तरीके से चेंज करना है मुझे। ओके तो मुझे आज के दिन भाई नेदर जाना होगा, क्योंकि भाई नेदर में थोड़े बहुत काम है। पहले मैं सोच रहा था कि भाई मैं अब जब मेरे पास डायमंड का आर्मर आ चुका है तो क्यों ना इस आर्मर को पहले तो भाई इस चिमकांडी बंदे को मारो, साले नल्ले बिल्ले देखो भाई कैसे छलांग। अबे यार मेरा निशाना भी बकवास है ना। अबे यार इसको सामने जाकर ही मारना होगा, मर जा यार। अबे यार मरता भी नहीं है, चलो यार फाइनली मर गया है। तो हम लोग ये काम करते हैं भाई, मुझे जाना है नेदर, और नेदर जाने के बाद मुझे दो चीज़ करने हैं। पहले तो भाई एक बेशन ढूंढना है, दूसरा भाई मुझे चाहिए नेदराइट वगैरह खोदना है, ठीक है तो नेदराइट एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रैवल करने में इजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक नेदराइट इंगट चाहिए, ठीक है तो उसमें ट्रैवल करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि भाई एक होता है ना भाई कंपस, तो कंपस में क्या होता है, कंपस में बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो हम लोग को कोऑर्डिनेट फॉलो नहीं करना होता है, कंपस से ज़्यादा बेहतर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और भाई मेरा भाई स्पॉन का भाई क्या ही बताऊँ आप लोग को, मेरा मुझे भाई ऐसे जगह पर समन करते हैं ना कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है भाई, वहाँ पर खतरे ही खतरे है भाई, वो भाई एकदम ही घटिया जगह पर स्पॉन करते हैं। एक काम करते हैं मुझे चाहिए सोल सेंट, हाँ भाई वो सोल सेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो फार्म है भाई उसमें लिफ्ट वगैरह लगा दूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए ना। अच्छा चलो यार ये तोड़ लेते हैं, क्योंकि भाई ये काम किया ही नहीं, तो आई थिंक इसको लगा कर देखा भाई अब हो रहा है ना, अब ये भी काम करेगा ढंग से एकदम बढ़िया तरीके से। चलो यार ये सब बेच देते हैं, देखो भाई मुझे नहीं लगता कि विलेजर ये सब खरीदेंगे, तो ये हम लोग इस इन सब को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके भाई ये रहा जितना सारा वुड है भाई, और कितना कितना बन सकता है, 3 बन सकता है ना, बस मुझे 2 चाहिए, तो इतना भी ज़्यादा बर्बादी नहीं करते। और एक से हम लोग बनाएंगे एक क्या कहते हैं भाई से, हाँ भाई ये हॉपर चाहिए मुझे एक, और एक भी चेस्ट वैसे ही चाहिए, देखते हैं भाई ये काम होता है कि नहीं है, कैसा काम करता है, तो भाई बस मुझे वही देखना है। चलो यार ये इसको लगा देते ऐसे नीचे, और इसको लगा देते इसके नीचे, ठीक है ना। तो देखा भाई बोन मिल आ रहा है, तो सिंपल सा टेक्निक है, काम होता रहेगा चलता रहेगा भाई। और यहाँ पर भाई ये पहले तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा भैरंड जगह है ना, क्या बताऊँ भाई मर गया भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर भाई डेंजर वाले बंदे आ, उसमें भी एक दिक्कत है। और कभी कभी देखो गास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम नहीं है और है भी, यहाँ से चलते एक रास्ता बना लिया था मैंने। अच्छा मेरा रास्ता किधर था भाई, अच्छा यहाँ से है मेरा रास्ता भाई, मैंने खुद रास्ता बनाया और मैं खुद ही भूल गया, तो भाई मेरे को दूसरा मतलब उतरने के लिए कोई रास्ता मिला ही नहीं, तो यहाँ से ही भाई क्या करे भाई, यहाँ से जाना होगा। ओह भाई सब मैं गिरने वाला था अभी भी। अबे यार ये एक्सपी मैंने भाई छूट गया था कि मेरा ये वाला। ओके भाई साहब इट्स मी मारियो। चलो यार तुम मेरे से नहीं बच सकते बोबोबा, मैं तो तुम्हें मार ही दूंगा। चलो देखते हैं ये बोबोबा किधर है।
ओ भाई साहब यहाँ पर बहुत सारे रापलाल है तो भाई भाग जाओ, ये स्पोदरमैन कहीं के आ जा साले, इतना ज्यादा कूटूंगा ना भाई, गंदा कूटूंगा। अब खा भाग रहा है चिरान बंदे भाई, बाप को देख लिया ना तो डर गया सामने से, भाई यहाँ मत आइयो। ओ भाई साहब भाई 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 भाई, भाई एक हिट कर दिया ना तो भाई मैं मरने वाला हूँ, और कुछ नहीं। ओ भाई क्या ही बचा, एक हिट होता ना भाई इन पे तो भाई मेरा ही बुद्धि चटक जाता। कोई बात नहीं भाई, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, कि बाप का बदला ले सकता है ना भाई ये वाला बंदा। चल यार इसको मार देते, तो भाई हम लोग रिस्क वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि भाई ये हो सकता है अपने बाप का बदला ले ले। ढूंढते हैं भाई कहाँ सोल सैंड मिलता है भाई, बस एक सोल सैंड चाहिए, बस एक दे दो यार। ऐसा भी क्या करते हो यार, ओके। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे चीजें मिल रहा है भाई, दुनिया भर की चीजें मिल रहा है, जो नहीं चाहिए वो भी मिल रहा है। देखो सोना भी ऐसे करके मिल रहा है, लेकिन भाई सोल सेंट नहीं मिल रहा यार। देखो यहाँ से कैसे उतरे भाई, बस मुझे वो उस जगह पर। ओ भाई साहब, ओ भाई 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 भाई, भाई। देखा भाई कैसे चकमा दे दिया भाई। देखो आज कुछ नया इजाद किया है तुम्हारे भाई ने, तो कभी ये लोग पकड़े तो भाई ऐसे ऐसे करके दौड़ो, उल्टा सीधा करके दौड़ो। निशाना तेरा भी सही नहीं है और मेरा भी सही। ओ भाई मेरा सही है, क्या ना दियो भाई मेरे निशाने के बारे में कुछ भी। अच्छा इस जगह पर भी कभी कभी मिल जाता है ना। ओ भाई साहब, ओ भाई 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 भाई, देखो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, खाना खाते रहो, और मेरे पास प्रोटेक्शन वगैरह है तो भाई। ओ भाई भाई ये इन लोग क्या अलग दिक्कत है। मारो भाई मारो इस बंदे को मारो, इतना ज्यादा बेकार होता है ना ये, स्लाइम से भी ज्यादा बेकार होता है। स्लाइम तो भाई क्यूट होता है बहुत ज्यादा, तो ये जितना ज्यादा टुकड़ा होता है ना भाई इसका, तो वो हर एक टुकड़ा भाई मारता ही रहता है भाई, गलती से भी एक को लग गया ना तो भाई मुझे खत्म कर देंगे, और कुछ नहीं। आ जा मेरे ककरी, तुझे कैसे पकड़ी भाई, एक बस एक बैशन दिला दो, कैसे भी कैसे करके मैं वो ले लूंगा भाई, वो क्या कहते हैं भाई उसे, आर्मर ट्रिम वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं ना, वो मैं ले लूंगा। यार मैं भूल रहा हूँ कि कहाँ से मैं आया था भाई आज, तो भाई अगर मैं खो गया ना यहाँ पर तो वो ढूंढते ढूंढते ही मेरा भाई पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। ओ भाई साहब आजा सुअर कहीं के, तेरे जैसे भाई बहुत सारे सुअर देखे मैंने, कितना मारेगा यार अब मैं, मेरे को भाई डर वर नहीं लगता तुम्हारा भाई, चिंता मत करो भाई तुम्हारा भाई अनमरेबल हो गया है। ओ भाई साहब नहीं भाई नहीं 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 अनमरेबल नहीं हुआ है क्योंकि भाई वो तीर वाला बाहर ही है भाई, तीर वाले से थोड़ा बहुत बच के, क्योंकि भाई तीर वाला जो है ना लॉन्ग रेंज का बंदा है, तो अब यार अभी मरने वाला था, ऐसे बहादुरी अच्छा नहीं है। ओ भाई साहब क्या चीज मिल गया है भाई, यहाँ पर देखो एक बैशन मिल गया है, मेरे घर भी आ गया वो मैं, पर तू मर जा बस, तेरे जैसे बहुत सारे लल्लू चंपू देखे हैं मैंने। अगर वो चीज मिल गया ना भाई जो मुझे चाहिए, मतलब कि आर्मर ट्रिम, अपने आप को भाई ऐसे ऐसे करके ओपी बना लूंगा। साहब इन लोगों को मारते मारते मेरा लेवल तो 30 हो गया है, लेकिन भाई ये लोग खत्म होने की नाम ही नहीं ले रहे। ओ भाई भाई देखा भाई ऐसे ही करते हैं ये लोग भाई, वैसे खत्म तो होते ही नहीं है, उल्टा भाई मारते रहते हैं ये मेरे को। आ जा तू आ जा, साले आराम खोर गई के। तो भाई साहब वो ब्रूट वाले भाई अभी भी वही पर है, यहाँ से कूदते हैं ना ज्यादा बेहतर रहे। एक गया भाई, ये जाने ही वाला है। अबे यार ये भाई मर ही नहीं रहा है, मेरा वो खत्म कर देंगे ये लोग। और वो देखो भाई आसपास भाई वो सुअर घूम रहा है, और भी ज्यादा बेकार है वो, उससे भी इससे ही ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इतना ज्यादा डैमेज करता है ना ब्रूट भाई। अब गायब हो गया है। ओ भाई 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 भाई, भाई ये एन्चैंटेड एन्चैंटेड वाला है भाई, इससे भाई पंगा नहीं। भाई 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 आजा 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 आजा, ऊपर ऊपर आ, तेरे को तो भाई यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, बाप लोग यहाँ पर बैठे हुए। आजा 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 ऊपर आ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मार वो भाई 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 भाई, कलेश कर दिया भाई, मार दे साले को मार साले। भाई साहब क्या ही कांड कर दिया भाई मैंने, वैसे मैंने जानबूझ के नहीं किया भाई, लेकिन बढ़िया था जो भी था भाई। एक स्क्रब मिल गया है, स्क्रब ही कहते हैं। वो भाई ये कौन सा वाला मिल गया है यार, डायमंड का ये मिल गया, ये भी मस्त है भाई, गोल्ड भी मिल रहा है भाई, इतना ज्यादा बढ़िया लूट तो नहीं है बट। अबे यार जो चीज चाहिए था मेरे को वो है ही नहीं यहाँ पर, और ज्यादा लूट नहीं है इसमें, ये एकदम छोटा सा है। देखो भाई कितने सारे है भाई, कहा है तू, आ जा मरो सभी मरो यहाँ पर भाई, लावा छोड़ दूंगा। मैं गलत किया भाई, मैं एक लावा तो लाना ही चाहिए था मुझे। एक और गया, भाई साहब
ओ भाई साहब, बस एक बार वो चीज मिलने दो भाई, फिर मैं वो जो गायब होऊंगा क्या ही बताओ आप यार। और भी चेस्ट चाहिए, लेकिन कैसे भाई, कैसे क्या करूं? देखो यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन भाई देखते हैं भाई वो चीज मिलता है कि नहीं है। अबे यार वो ज़ॉम्बी फाइट पिगलिंग यहाँ पर था, चलो इसे थोड़ा बहुत फायदा था, क्या कर सकते हैं यार। ये भाई चाहिए तो है कि भाई, वो और दूसरा कोई चेस्ट भी मेरे को दिख ही नहीं रहा। देखो भाई ये डायमंड वाला मिला है, आई थिंक और कुछ नहीं है। और मुझे सोल सेंट चाहिए था तो वो भी मिल गया है मुझे। अबे यार ऊपर उठ जा, ऊपर उठ ले भाई, कवर कर लो अपने आप को यहाँ से। ऐसे ही करना भाई, खाना खाते खाते बस मर जाओ यार, जब तक खाना खाओगे तब तक मर जाओगे। चलो यार कोई बात नहीं, हम लोग ऊपर चलते हैं। और बस और कुछ नहीं है भाई यहाँ पर, और कुछ होता तो भाई दिख जाता यहाँ पर, क्योंकि एक होता है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ करते हैं ना लोग, तो भाई इससे भी पता चलता है हम लोगों को कि भाई यहाँ पर बहुत सारे। अबे यार वो चिमकांडी सा बंदा भाई वो मेरे पीछे लग गया है यार। चलो यार भाई घर पे चलते हैं, साइड साइड करके चलते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे ना तो भाई स्पॉन होते रहेंगे। भाई देना ही था तो 3 दे देते यार, सोल स्पीड 2 2 दे दिया है इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं यार, वैसे सोल स्पीड का उतना ज्यादा खास कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग सोल भाई सोल वैली में थोड़ी ना ऐसे करके जाएंगे, लेकिन फिर भी भाई लगा लेते हैं, मिला है तो भाई इतने। भाई ये बहुत ही ज्यादा कम एक्सपी वगैरह देते हैं ना। चलो पीस तो मिल गया है ना, तो पावर 1 ले लेते हैं, और दूसरा वाला देखते हैं भाई कौन सा दे रहा है। ये स्ट्राइडर, डेप्थ स्ट्राइडर भाई कौन सा वाला था? आई थिंक ये कोई ट्राइडेंट वाला था भाई। नहीं भाई नहीं चाहिए, हम कर देते सोल स्पीड है ना। चलो ये होगा सोल स्पीड, और ये है शार्पनेस 3, शार्पनेस 3। चलो मुझे भाई एक चीज बताओ, यहाँ पर ये गड्ढा किसने क्या है भाई? बेकार में गड्ढा करके रखते हो भाई माइनक्राफ्ट वालों, घर जाओ। अच्छा ये थोड़ा बहुत ई स्टाइल वाला है, ये बढ़िया वाला है। ऐसे इसके नीचे भी होते हैं ना वो। आ भाई साहब यहाँ पर भी मिल गया है, मिल गया ना भाई। ये फ्लिंट वगैरह मत दो भाई, बस ग्रेवल वगैरह दो, ठीक है। अच्छा मैं क्या करने को आया था, देखो भाई इसका रेसिपी कुछ ऐसा है, बस इतना ही भाई, क्या ही बताए। और यहाँ पर ये एक को लगा देते हैं और बस डन कर देते हैं, और एक को लगाते हैं यहाँ पर। तो भाई साहब जितने सारे मॉब इकट्ठा हो गए भाई, मार दो इन लोग को, एक्सपी 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 की बौछार कर दो भाई। जो लोग नहीं आ रहे हैं ना उन लोग को बोसे मार दो। अबे यार मेरा वो पोशन खत्म हो गया है, चलो कोई बात नहीं, वाटर ब्रीदिंग की फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ऐसे छलांग मार के भी मैं अपना काम कर सकता हूँ। देखो भाई मेरा तुक्का एकदम है ना सही था, कितना देखो भाई कितना ज़्यादा फास्ट है, बढ़िया है ना। चलो यार आज का मेरा काम तो हो गया है ख़त्म है। तो भाई जी हाँ, आज मैंने थोड़ा बहुत काम तो किया है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगा है बैशन एक्सप्लोर करने में, लेकिन कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी ज़्यादा काम करेंगे। और बस भाई ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और भाई सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाकी भाई आज चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।